आज अपन पढ़ेंगे पियाजे के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ना है, तो उसके लिए पहले शुरू में थोड़ा सा अपन परिचय देख लें कि पियाजे के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। तो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे और विद्वान जंतु विज्ञान के, जूलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके विद्वान थे। उनकी जो रुचि थी, उनकी रुचि थी बालकों का बुद्धि का विकास करना। तो इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया और अपने ही बच्चे, इनके दो लड़कियों एक लड़के थे, अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया और उन्होंने देखा कि बच्चों में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं और ये बताया कि बुद्धि जन्मजात होती है। पहले ये अल्फ्रेड बिने के साथ थे जो कि फ्रेंच स्कूल के बच्चों पर उन्होंने बहुत सारे भौतिक प्रयोग किए थे, पर उन्होंने जब भौतिक प्रश्न पूछे तो उनको उन प्रश्नों के उत्तर में संतुष्टि नहीं मिली। तो उसके बाद उन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया और अपने ही बच्चों में प्रयोग करके जो जो अवस्थाओं में परिवर्तन देखे और ये देखा कि बुद्धि जन्मजात होती है। तो बुद्धि जन्मजात ऐसी होती है कि कुछ बच्चों में ऐसी आदतें होती हैं कि पकड़ना, देखना, चूसना, ये सब चीज़ें बच्चों में जन्मजात पाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि जन्मजात होती है। अब संज्ञात्मक विकास की बात चल रही है, तो संज्ञात्मक विकास क्या है, किसे कहते हैं संज्ञात्मक विकास? तो किसी भी चीज़ का दिमाग में बैठ जाना संज्ञात्मक विकास कहलाता है। किसी भी चीज़ का दिमाग में फिट हो जाना, सेट हो जाना, कोई भी चीज़ हम जल्दी समझ लेते हैं, हमें जल्दी समझ में आ जाती है और बहुत देर तक याद रहती है, तो वो क्या कहलाती है? संज्ञात्मक विकास। अब संज्ञात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने, जिनका अपन विस्तार से चर्चा करेंगे।